प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बस बस बस। अरे बबीता, देखो सोसाइटी में ही रिक्शा मिल गया, चलो। कितना हुआ भाई? 30 रुपया। साहब कोई टेंशन हो तो रुकूं? नहीं नहीं, आपने पूछा वही बहुत है। हाय जेठा जी। हेलो बबीता जी। क्या हुआ जेठा लाल? लगता है जेठा जी कुछ टेंशन में है। उद्गवदीप, दो ही काम आते हैं, टेंशन लो और टेंशन दो। चलो कार्टर रोड चलना है। बैठिए। माधवी, ए माधवी, काय झालं? माधवी, जरूर कुछ गड़बड़ है। कसली गड़बड़? अरे माधवी, जेठाला अभी रिक्शे से आया और घर गया। तो और कहाँ जाएंगे? मेरा मतलब है भाग भाग के घर में गया। तो होगा कोई अर्जेंट काम, इसलिए भाग भाग के गए होंगे। आपको तो हर बात पे गड़बड़ नजर आती है। अरे नहीं माधवी, जरूर कोई टेंशन वाली बात है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। तो वो उनकी प्रॉब्लम है ना, वो सॉल्व करेंगे, और जरूरत पड़ी तो हमें बुलाएंगे ना। और आप भी जरूरत पड़ने पर ही मुझे बुलाना। हाँ, हाँ दया, क्या हुआ? ये टप्पू। क्या किया टप्पू ने? नहीं नहीं किया, कुछ नहीं है, लेकिन अब करने वाला है। क्या? शांति रखिए। अरे क्या शांति रखिए, एक तो तू फोन में पूरी बात करती नहीं है, रास्ते में मुझे कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, यहाँ पहुँचते पहुँचते मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, अभी बोलती है शांति रखिए। अरे बोल, अभी क्या करना चाहता है ये? वो सर। बोलिए मैडम। नहीं नहीं नहीं, ये सर वाला सर नहीं। तो ये सर वाला सर? क्या हुआ तेरा सर को? नहीं नहीं, वो भगवान की कृपा से मेरे सर को कुछ नहीं हुआ है। तो? ये टप्पू अपना सर गंजा करवाना चाहता है। क्या? टप्पू अपना सर गंजा करवाना चाहता है। टप्पू सर गंजा करवाना चाहते है? हाँ, गंजा गंजा, वो टकलू होता है ना, टकलू। अरे समझ गया बच्चों। भाई ये अभी तेरा क्या नया नाटक है? पापा, नाटक नहीं, मुझे सच में सर गंजा करवाना है। तू पागल हो गया है? शांति शांति रखिए। टप्पू, तुझे पता है कि बेटा अपना सर कभी गंजा करवाता है? जब उसका मूड हो। नहीं, बाप के पीछे श्राद्ध की विधि में। नहीं नहीं नहीं, टप्पू के पापा, सुन सुन बोलिए, सुन सुन बोलिए प्लीज। अरे जिंदा रहूंगा तो सुन सुन बोलूंगा ना, ये ऐसे मुंह ऐसे तू दबा के रखेगी तो गोंगड़ा के। सुन सुन बोलिए, सॉरी। और इसको समझा, इसका बाप अभी जिंदा है, अभी सर गंजा करने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गया, बापूजी नहीं है इसके लिए इसको ये सब मस्ती सोच रही है। लेकिन भाई समझ ले, बापूजी नहीं है तो तुझे बचाने वाला भी कोई नहीं है, मैं तेरी ये जिद पूरी नहीं होने दूंगा। पापा, मैं अपनी जिद पूरी करके रहूंगा। अरे भाई, तुझे गंजा क्यों होना है? बापूजी जैसा दिखना है वैसा ही कुछ समझो। ऐसा ही समझो वाली।
शांत रहिए, शांति रखिए। कहाँ जा रहे हो? भाई तू मुझे एक बात समझा, यह अचानक गंजा होने का भूत तेरे सर पे कहाँ से सवार हो गया? ऐसे ही पापा मुझे सर गंजा करने दो ना प्लीज। अभी तूने एक बार और सर गंजा करने की बात की ना, एक उल्टा हाथ का थप्पड़ मारूंगा तुझे। लो मारो। मार से डर नहीं लगता ना तुझे? ठीक है, तो अभी जब तक तू नहीं मानेगा तब तक मैं तुझे बाथरूम में बंद करके रखूंगा। चलिए। ए, ए, कहाँ लेके जा रहा है? टपो, टपो मेरी बात सुन। टपो, टपो, क्या कर रहे? टपो देख मेरी बात सुन। टपो, टपो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं सचमुच तुम्हें शाम तक अंदर बंद कर दूंगा। अरे पापा शाम क्या, सुबह तक बंद रखना, पर मुझे गंजा होना है। ठीक है, मैं खुद अंदर बंद हो जाता हूँ बस। टपो, मैं तुझे आखिरी बार बोल रहा हूँ। पापा मैं भी आपको आखिरी बार बोल रहा हूँ, मुझे गंजा होना है, वरना वरना क्या? वरना मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अरे तू क्या, तेरा बाप स्कूल जाएगा। ओके आप जाना। किसे लगा रही है? अब उधर ध्यान रखिए। सुंदर नहीं है। एक फोन बंद हुआ नहीं और दूसरा शुरू हो गया। अंजलि, अरे अंजलि फोन आगे उठाओ भाई, मुझे आर्टिकल लिखना है। आई। यार ये फोन मुझे आज लिखने नहीं देगा। हेलो। हाँ अंजलि भाभी। हाँ मेहता साहब है घर पे? हाँ है। हाँ तो उनको गई है कि जल्दी जल्दी हमारे घर पे आ जाए, जल्दी जल्दी फासो फास फासो फास। तारक चलिए चलिए। कहाँ? अरे आर्टिकल लिखना छोड़िए ना बाबा, दया भाभी का फोन था, जल्दी बुलाया है घर पे, मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम है, चलो ना। अरे पर ये आर्टिकल। चलो ना बाबा। अरे यार। चलो चलो चलो। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई। माधवी, ए माधवी, अब क्या हुआ जेठा भाई के घर? माधवी जेठाल के घर पे 100% गड़बड़ हुई है, टप्पू ने जरूर कुछ हंगामा किया है। टप्पू ने? हाँ। आपको कैसे पता चला? अरे अभी थोड़ी देर पहले जेठा रिक्शे में आया और भाग भाग के घर पे गया, फिर उसके बाद उसकी टप्पू करके जोर से चिल्लाने की आवाज आई और अभी मेहता साहब और अंजलि भाभी उसकी घर की तरफ दौड़े। आप यहाँ अलमारी साफ कर रहे हो या जेठा भाई के घर की जासूसी? हाय बोलते सुमाधवी, अरे हम पड़ोसी है उनके, तो फिक्र होती है ना। बरोबर है, आपको फिक्र हो रही है। फिर पर पर्सनल लाइफ जैसी कोई चीज होती है कि नहीं, तो उसमें हमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, बरोबर ना? हाँ
बरोबर है। ये बापूजी और तेरे लाड प्यार की वजह से इतना जिद्दी हो गया, लेकिन तू भी कान खोल कर सुन रहा है। आइए आइए बेटा साहब, जी बाबी, ये बाप बेटे को समझाइए। अरे मुझे क्या समझाना है, इसको समझाइए। एक मिनट जेठा भाई, आप पहले शांत हो जाइए और हमें ये बताइए कि आखिर टप्पू ने किया क्या है। अरे अंजलि भाभी, मेहता साहब इसको नई मस्ती सूझी है, बोल रहा है इसको सरगंजा करवाना है। क्या? What? टप्पू तुम्हें सरगंजा करवाना है? हाँ मैं तो अंकल। देखा देखा। एक मिनट जेठालाल, मैं बात करता हूँ ना। लेकिन टप्पू बेटा बताओ आखिर क्यों? ऐसे ही मतलब क्या? ऐसे ही कोई सरगंजा नहीं करवाता टप्पू। और ये कोई शर्ट बदलने की बात थोड़ी ना है कि तुम्हारा मूड आया और तुमने शर्ट बदल दी। और वैसे भी टप्पू तुम्हारे बाल तो कितने अच्छे हैं और तुम्हें सरगंजा करवाना है। हाँ अंजलि आंटी। हाँ टप्पू, तुम्हें सब टकलू टकलू कहकर चिढ़ाएंगे और तुम्हें सरगंजा करके घूमते हुए शर्म नहीं आएगी? नहीं। टप्पू ये क्या बात हुई बेटा? देखो पापा नाराज हो रहे हैं और मम्मी पापा को ये बात अगर पसंद नहीं है तो मत करो ना ऐसा। मैं तो अंकल, मैं मम्मी पापा की हर बात मानता हूँ। कौन सी बात मानी इसने हमारी? तो वो मेरी एक छोटी सी बात नहीं मान सकते? नहीं मान सकते। एक मिनट जेठालाल, मैं बात कर रहा हूँ ना। टप्पू बेटा मुझे एक बात बताओ, तुमने किसी से शर्त तो नहीं लगाई कि तुम गंजे हो जाओगे? नहीं। अच्छा तुम किसी ऐसे स्पोर्ट्समैन के फैन हो जिसके बाल नहीं है या कोई फिल्मी हीरो जो गंजा हो? हीरो को भी गंजा होता है? नहीं। अरे तो फिर क्या वजह हो सकती है, क्यों गंजा होना चाहते हो तुम? बस ऐसे ही मेरा मन कर रहा है। अरे अरे ऐसा कैसा मन? दया काम कर, उस तरह लेके आ, मैं खुद इसका सर गंजा कर देता हूँ। थैंक यू पापा। मम्मी उस तरह लेके आओ। अब मन गए? अरे एक मिनट, दया भाभी जेठा भाई व्यंग में कह रहे हैं। तारक, मुझे नहीं लगता टप्पू आज हमारी भी बात मानेगा। अब क्या करें? जेठालाल तुम चाचा जी को फोन करो ना, वो समझा देंगे टप्पू को। तारक, चाचा जी यात्रा पर गए हैं और फोन लिए बगैर गए हैं। हाँ सॉरी, तुमने कहा था मैं भूल गया। अच्छा टप्पू, तुम सर जरूर गंजा करवा लेना। एक मिनट, लेकिन दादाजी आए उसके बाद, ठीक है? उसके बाद करवा लेना सर गंजा। ठीक है। वाह 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 वाह, मेरा बेटा मान गया सवाल। बहुत बढ़िया, अपना जो डॉलर है बस इसका हो गया हो गया हो गया, बहुत बढ़िया रास्ता निकला मेहता साहब। लेकिन तब तक मैं स्कूल भी नहीं जाऊंगा और खाना भी नहीं खाऊंगा। तो स्कूल भी जाएगा, सर गंजा भी नहीं करवाएगा और खाना वो तू तय कर, खाना है कि नहीं खाना वो तू तय कर। एक मिनट जेठा भाई, आप पहले शांत हो जाइए। शांत हो जाइए। देखिए गुस्सा करने से बात और बिगड़ेगी। अच्छा एक काम करो ना टप्पू बेटा, तुम अंजलि आंटी और मम्मी के साथ जरा कमरे में बैठो। आओ 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 टप्पू। यार जेठालाल समझ में नहीं आ रहा कि टप्पू ऐसा क्यों कर रहा है। तुमने उसके दोस्तों से बात की? नहीं, आओ करते हैं। नहीं नहीं मैं ही करता हूँ। तो मैं अंदर जाऊँ? नहीं तुम अंदर नहीं जाओगे। जेठालाल तुम अंदर नहीं जाओगे जब तक मैं वापस लौट के नहीं आता, टप्पू से कोई बात नहीं करोगे, तब तक यहीं। सोचने की जरूरत है? ऐसे कोई गंजा हुआ जाता है? अच्छा तुम्हें पता है कि आखिर टप्पू गंजा क्यों हो रहा है? नहीं, पर अंकल अब समझ में आया कि टप्पू टेंशन में क्यों था। हाँ अंकल, मुझे तो लगता है कि सर गंजा करने का टप्पू का पहले से ही प्लान था।
हाँ पर टप्पू हमसे हर बात शेयर करता है, उसने हमें ये बात क्यों नहीं बताई? चल टप्पू के पास। ए, एक मिनट टप्पू के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है अभी, आप लोग अपने अपने घर जाओ। ओके ओके। टप्पू सेना को भी नहीं पता। तब इस जिद्दी का क्या करे? सोनू आ गया तुम्हारे पढ़ाई में व्यत्यय, ये टप्पू कभी नहीं सुधरे। सोनू ए चप्पल बाहर। सॉरी मेरे अंकल। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? सोनू तुझे पता है टप्पू क्या करने वाला है? अच्छा काम तो कोई होगा ही नहीं। क्या हुआ टप्पू, क्या करने वाला है? अरे टप्पू अपना सर गंजा कर रहा है। काय? क्या? इम्पॉसिबल। मुकु भाई बेटा बेटा सा लगे का तो? कितने सुंदर बाल है उसके, हो कि नहीं हो? हाँ हो ना, जरूर किसी की नजर लग गई होगी बेचारे को। लेकिन टप्पू सर गंजा क्यों करवा रहा है? वो किसी को नहीं पता। हाँ बाबा आप समझाइए ना टप्पू को कि वो ऐसा ना करे। हाँ। अरे हाँ क्या हाँ, और मैं क्यों समझाऊं? उसे समझाने के लिए उसके माँ बाप है, और अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सुनो तुम्हारी पढ़ाई ज्यादा इम्पोर्टेंट है, चलो पढ़ाई करने बैठो, और आप भी हो सके तो अपने अपने घर जाकर पढ़ाई करो। हाँ ओके मैडम, थैंक यू। लेकिन सोनू तुझे ऐसा नहीं लगता है कि टप्पू अगर गंजा होगा तो बहुत अजीब दिखेगा? हाँ वो बहुत अजीब लगेगा। ओ जूनियर हाथी, ये डिस्कशन बाद में, हाँ अभी पढ़ाई। सॉरी मैडम, चलो बाय बाय। खरच टप्पू गंजा कैसा लगेगा? हीरो से जीरो लगेगा। मकाय कमाल है यार टप्पू जी, मुझे सर पे बाल चाहिए तो है नहीं, और टप्पू को इतने अच्छे बाल है तो कदर ही नहीं है सर गंजा करवाना है। अभी वही सोच रहे हो ना? मग नहीं नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये टप्पू है ना बड़ा होकर जरूर साइंटिस्ट बनेगा। गंजा हो रहा है इसलिए? काय बोलते सुमाधवी, नए नए शरारतों की खोज करा है इसलिए, ये भी उसकी कोई नई शरारत ही होगी देखना तुम। ये कठिड़े बाबा इंसान। दोस्तों जिंदगी में आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि तीन चीजें लौट के कभी नहीं आती, बंदूक से निकली हुई गोली, रिश्वत में दिया हुआ पैसा, और टप्पू की जबान से निकला हुआ शब्द। अब टप्पू ने कह डाला कि भाई मैं सर गंजा करवाऊंगा, पकड़ ली जिद, तो अब अपनी जिद से पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक तरफ टप्पू की जिद, दूसरी तरफ सारा का सारा गोकुल धाम, दया भाभी, जेठालाल सब मना के हार गए, लेकिन टप्पू अपनी जिद नहीं छोड़ रहे। अब मनाए कौन, चंपक चाचा होते तो मना लेते, लेकिन वो यात्रा पे गए हैं, अब क्या किया जाए, इतनी भयानक जिद सर को गंजा करवा। लेकिन जिंदगी में ऐसा होता है दोस्तों, जिंदगी भी कितनी अजीब है। अब भिड़े के सर पे बाल नहीं है उसे इस चीज का टेंशन है, और टप्पू के सर पे बाल है उसे वो त्यागना चाहता है, लेकिन क्यों त्यागना चाहता है कोई नहीं जानता। टप्पू सर क्यों गंजा करवा रहा है, इसका कारण क्या है, किसी को नहीं पता। जिंदगी में हमारे पास जो चीजें होती है उसके होने का एहसास हम नहीं करते, जब चीजें नहीं रहती तब उसकी कीमत पता चलती है, लेकिन टप्पू अभी इन बातों को नहीं जानता। वो सिर्फ इतना जानता है कि उसे अपने सर को गंजा करवाना है, क्यों किस वजह से न वो बता पा रहा है, न कह रहा है, न हम जानते हैं, लेकिन इतनी चीज जरूर जानते हैं कि टप्पू के सर से बाल गायब होंगे या नहीं होंगे, लेकिन आपके घरों से टेंशन जरूर गायब होगा, क्योंकि आप इतना हंसेंगे कि सारा टेंशन दूर हो जाएगा, और बस आप देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.